हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय आईटी चैनल SPT999। ये सी लैंग्वेज का लेक्चर 4 है जिसमें हम लोग समझेंगे टोकेंस के बारे में। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ईच स्मॉलेस्ट एलिमेंट और यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन, यानी कि प्रोग्राम के हर एक छोटे एलिमेंट को या यूनिट को टोकन कहा जाता है। जरा डिटेल में समझते हैं। ये इंग्लिश के कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ऊपर एक सेंटेंस लिखा है और नीचे एक पैराग्राफ है। तो सेंटेंस हो या पैराग्राफ, ये किन से मिलकर के बना हुआ है? इन एलिमेंट्स, ऑनेस्टी इज द सुपर पॉलिसी, ये सारे अलग अलग एलिमेंट हैं, इनसे मिलकर के ये सेंटेंस बना हुआ है। ऐसे ही ये, तो ये एलिमेंट चाहे उसमें 10 कैरेक्टर हों या 4 कैरेक्टर हों या 2 हों या सिंगल कैरेक्टर ही क्यों ना हो, तो ये सभी इस पैराग्राफ के एलिमेंट्स हैं या यूनिट हैं जिनसे मिल करके ये पैराग्राफ बना हुआ है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में इन एलिमेंट्स को या कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स को वर्ड कहा जाता है, यानी कि एक पैराग्राफ या लाइन वर्ड्स का कलेक्शन। अब जरा ये सी का एक छोटा सा प्रोग्राम देखिए। इस प्रोग्राम में 2 नंबर्स ए और बी, जिनकी वैल्यू 5 और 7 है, इनको करके सी में स्टोर किया गया है और फिर उसे प्रिंट किया गया है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे समझाने वाला हूं डिटेल में। अभी मैंने एग्जांपल के लिए यहां पे लिया हुआ है कि इस प्रोग्राम में ये जो छोटे छोटे एलिमेंट हैं, जैसे कि void, जैसे कि main, या फिर ये ब्रैकेट parenthesis, या फिर ये curly bracket की opening, int, a, या equal sign, या 5, या ये कॉमा, या फिर ये सेमीकोलन जिसे यहाँ सी लैंग्वेज में टर्मिनेटर कहा जाता है, या फिर ये प्रिंट एफ, ये सभी अलग अलग एलिमेंट हैं। ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट की ओपनिंग, ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, कॉमा भी एक एलिमेंट है, सी भी एक एलिमेंट है। ऐसे ही गेट सी एच, और फिर ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और फिर ये सेमीकॉलन, ये सब अलग अलग एलिमेंट हैं। इन एलिमेंट के कलेक्शन से ही प्रोग्राम बनता है। तो जैसे किसी इंग्लिश के पैराग्राफ में वर्ड्स का कलेक्शन पैराग्राफ बनाता है, ठीक उसी तरह से किसी प्रोग्राम में इन एलिमेंट्स का कलेक्शन ही उसको प्रोग्राम बनाता है। इन एलिमेंट्स को ही टोकन कहा जाता है। यानी सी के इस प्रोग्राम में void एक अलग टोकन है, main एक अलग टोकन है, ये ब्रैकेट एक अलग टोकन है, इंट एक अलग टोकन है, सही कॉमा एक अलग टोकन है, इक्वल साइन एक अलग टोकन है, 5 एक अलग टोकन है, ए एक अलग टोकन है, और ऐसे ही ये सभी एलिमेंट अलग अलग टोकन कहलाते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी कि टोकन किसे कहते हैं। अब जरा एक बार फिर से इस पैराग्राफ को देखिए। इसमें ये जितने भी वर्ड हैं, इन सभी वर्ड की अपनी कैटेगरी है इनके नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे इनमें से किसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे, किसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, तो किसी को आर्टिकल कहेंगे। तो इसे हम टाइप्स ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं कि हमारे पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स की अपनी कैटेगरी है या टाइप्स है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या आर्टिकल। ठीक उसी तरह से किसी प्रोग्राम में जो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम टोकन कहते हैं, उन टोकन की भी कैटेगरी होती है। इनको कैटेगराइज किया गया है उनके नेचर और बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो सी लैंग्वेज में इन सभी टोकन्स को 6 अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। कुछ टोकन जिन्हें हम कीवर्ड कहते हैं, कुछ टोकन जिन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं या कांस्टेंट को ही लिटरल भी कहा जाता है, तो कुछ टोकन को हम स्ट्रिंग कहते हैं, इसी तरह से कुछ को हम आइडेंटिफायर, कुछ को हम ऑपरेटर और कुछ को हम सेपरेटर कहते हैं। तो ये थे टोकन और उसके टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक एक करके सभी टोकन्स के बारे में समझेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।